अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। आप सोच रहे होंगे सादिया ले आई है हमें इस्लामाबाद या फिर लाहौर। जी नहीं जनाब, ये है मेरा अपना शहर कराची। जी हाँ, सिर्फ हरियाली आप लोगों के पास ही थोड़ी है, हमारे पास भी है। हम भी हरे भरे लोग हैं, हंसते मुस्कुराते हुए जनाब। और आज ऐसी ही एक पर्सनालिटी से मैंने आपको मिलवाना है, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ये वो पर्सनालिटी है जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं, जिन्होंने एक दिहाई तक हमारे सरपरस्त होने का जो हक है वो भी अदा किया, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं। पहचान गए आप? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाने आप। आज मैं आपको मिलवा रही हूँ परवेज मुशर्रफ साहब से। चलेंगे उनके घर, करेंगे उनसे खट्टी मिट्टी कुछ वो बातें जो मैं और आप जानना चाहते हैं। आइए। आज हम आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवा रहे हैं जो मैन ऑफ द वर्ल्ड, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। माना जब उनका दौरे हुकूमत था तो काफ़ी मुश्किलात का उन्होंने सामना उठाया, लेकिन आज की मुलाकात में हम जानेंगे कि उन मुश्किलात से वो कैसे लड़ के सामने आते रहे, कौन से ऐसे अनासिर थे जिन्होंने मजबूर किया कि दोबारा वो अपने वतन वापस आए, और ये भी जानेंगे कि उनकी पर्सनल लाइफ में उनकी पसंद नापसंद क्या है। देख रहे हैं, आज मैं इनकी मेहमान हूँ। आइए जल्दी से मिलते हैं इनसे और ढेर सारी बातें करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं उस शख्स के साथ मौजूद हूँ जो अपने लफ्ज़ों के बादशाह है। मैं मौजूद हूँ परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप रहे और बखूबी आपने इस अपने इस किरदार को निभाया। हमेशा हमने जब भी बात की तो कारगिल की वॉर को लेके, आज की मैं ही क्या, हमारी जितनी भी इसको देखने वाले लोग हैं, हम लोग बड़े कंफ्यूज रहे कि सर क्या हम वो जीते थे या हम हारे थे, हमें आज तक समझ नहीं आई ये बात। अब ये बदकिस्मती है हमारी कि एक ऐसा एक्शन जिसमें हमने दुश्मन को, मैंने कई दफ़ा कहा है टीवी पे, हमने उनको गर्दन से पकड़ लिया हुआ था। पांच जगहों से हम अंदर थे वहाँ, एक में जहाँ अगर हम पहाड़ के नीचे उतर जाते जहाँ बैठे हुए थे तो ये सियाचिन में इनका ब्रिगेड बंद हो जाता, उसका खाना पीना बंद कर देते हम। दो जगहों में ऐसी जगह पे थे जहाँ द्रास और कारगिल बड़े कैंटोनमेंट हैं और सड़क जा रही है श्रीनगर से ले और लद्दाख, वो एक मेन इशारा है, उस पर गाड़ी नहीं चल सकती थी क्योंकि हम ऊपर से पत्थर भी फेंकते तो हम उन्हें रोक लेते। ऐसी जगह पे हम बैठ के जाकर उनको, रात को गाड़ी जानी पड़ रही थी, रात को चलानी पड़ रही थी। तो ये अब मुसीबत ये है कि ये गए और एक फैसला किया कि विड्रॉल कर देनी चाहिए, वो एक सियासी फैसला था। अब उस सियासी फैसले को निभाने के लिए कि नहीं हमने विड्रॉल नहीं की, वो ब्लेम डालने लगे। अब उन्होंने सोचा कि ये कैसे करें कि हमसे ब्लेम हट जाए, सही, किसी और पे चले जाए, हमने नहीं विड्रॉल किया, उन्होंने करवाया। वो मेरे पे और आर्मी पे डालने लगे कि वो कह रहे थे कि विड्रॉ करवा ले हमारे, क्योंकि नहीं था। तो इसलिए ये एक मैंने एक टर्म कॉइन की थी कि एक मिलिट्री विक्ट्री उसको सियासी डिफीट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है। सर आप तो हमेशा दुश्मन की आंख में आंख डाल के बात की, कभी भी आपने इस तरह अपने आप को कमज़ोर लम्हों में नहीं शिकार किया। वाजपेयी साहब से आप खुद मुसाफा किया, गले लगे जाके, उससे कोई सियासी चाल थी या कोई आपने कहा कि इस वक्त का ये जो हल ये कि ज़रा खूबसूरती से और मासूमियत से ये बात गुजर जाए? कि बिल्कुल खाना जंगी बिल्कुल होने वाली थी, बिल्कुल सब पूरी दुनिया घबरा गई थी कि ये दो न्यूक्लियर ताकतें जंग करने वाली। अब उसको अगर डिफ्यूज़ करने में एक, मैंने जाकर मैंने सोचा चलो इनसे हाथ मिला लेते हैं, वो टर्न अराउंड हो गया तो डिफ्यूज़ हो गया, पर्सनल ब्रावाडो है ना,
पर्सनल डिलीवरी, हाँ वो देखिए इंटरनेशनल बात हो रही है दो मुल्कों के दरमियान में, उसमें आप पर्सनल अपनी चीज नहीं, आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। बिल्कुल सही। आपको भी पिछले दिनों मैंने एक बयान में ऐसे सुना, आपने कहा हमने ये जो न्यूक्लियर पावर है हम लोग, हमने कोई ये शबरात पे पटाखे बजाने के लिए तो नहीं बनाया ना ये बम। तो बड़ा खूबसूरत ये लाइन थी आपकी। तो आज सर मैं सच सच जाना चाहती हूँ, क्या वाकई हम लोग इतने पावरफुल है कि अगर हमसे कोई आंख में आंख डालता है तो फिर आंख निकालने वाली हिम्मत हमारे पास है और ताकत भी है? देखिए फोर्स है बिल्कुल, लेकिन आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इस फोर्स को इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये फोर्स वही जो मैंने शुरू में कहा था डिटरेंस के लिए है कि हमारे साथ क्या कहना चाहिए, मुझे तो पंजाबी वर्ड आ रहा है पंगा, सर बोले पंजाबी, पंगा नहीं ले, मेरे पंगा नहीं लेना जी साढ़े नाल सही, हम आपको सीधा कर देंगे सही। तो ये फोर्स है हमारे पास और उनको भी मालूम है, दुश्मन को भी पता बिल्कुल। है लेकिन इसको इस्तेमाल करना जो है आपको पता होना चाहिए, ये हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब इस्तेमाल हुए थे उनसे ये 10 गुना 100 गुना ज़्यादा ताकत में है। ठीक है, तो ये तो तबाकुन है, तो इसलिए बस इतना काफ़ी है कि दुश्मन हम पे हमला करते हुए एक्शन करते हुए डरे, रोक बस। सर लोग नहीं चाहते थे कि आप पाकिस्तान वापस आए, आपको भी पता था कि यहाँ आएंगे तो मुश्किलात होंगी, लेकिन आप फिर भी सब कुछ जानते हुए पाकिस्तान आए, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो पाकिस्तान खींच के लाई आपको? इसका छोटा जवाब तो यह है, यहाँ की गुलाब जामुन, यहाँ जबरदस्त, यहाँ के पान ये नहीं मिलते हैं लंदन में और दुबई में इस तरीके से। तो बात ये है कि ये हमारा मुल्क है, हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सब कुछ इधर है। अच्छा अब थोड़ी सी ज़रा नॉन सियासत सी गुफ्तगु करें, ज़रा गुलाब जामुन और बर्फ़ी का जिक्र निकल ही आया है, तो सर मीठा ज़्यादा शौक से खाते हैं या नमकीन ज़्यादा पसंद है, कौन से खाने ऐसे वैसे अच्छे लगते हैं? मीठा अच्छा लगता है लेकिन अब थोड़ा सा वेट कंट्रोल और ये वो उसकी वजह से तरफ से होता है कम, मिसेस की तरफ से कि नहीं प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, कम खाता हूँ लेकिन कम खाता हूँ ना, ये नहीं कि मैं बिल्कुल ना खाऊँ, बाद लोग है ना कि वेट की वजह से बिल्कुल ही मीठा खाओ ही नहीं ना, खाओ जी हर चीज़ खाओ लेकिन एक्सरसाइज करके इक्वलाइज कर लोगे। सही, फरमाइश करते तो किस तरह की फरमाइशें घर में खाने से रिलेट हो या क्या किस तरह की फरमाइश होती है? कोई ख़ास नहीं है असल में, सिंपल से खाने, ये जो SSG में हम कमांडोज में मैं रहा हूँ 8-9 साल, उसमें बड़ी उल्टी सीधी चीज़ें खाने की आदत हो जाती है, वो तो जो सामने आ गया खा लो। उधर सिखाया जाता है कि यू कैन ईट एवरीथिंग, हर चीज़ आप अगर भूख लगी भी हो अकेले हो पहाड़ों में कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं, हर चीज़ खा सकते हैं, सांप आप भी खा लेते हैं, सिर्फ वो जो पत्ता होता है जिसको तोड़ने से वो सफ़ेद दूध जिससे निकलता है वो ना खाएँ, बाकी हर चीज़ खाओ, हर चीज़ खा सकते हैं। तो हम ऐसे ही नहीं ना अपनी आर्मी को सलाम करते हैं जनाब, कि आर्मी हमारी है आज वो है तो हम लोग सुकून से यहाँ चैन से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सर आपको लगता है कि इस वक्त जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ साहब हैं इनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए? अनयूजुअल होता है कि एक इंसान अच्छा काम कर रहा हो और फिर वो इतना पॉपुलर भी हो जाए, पूरे मुल्क में पॉपुलर भी हो जाए, तो ऐसे आदमी को कंटिन्यू करना चाहिए और उसका काम जो है उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा था कि इनकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, सही, मुल्क की बेहतरी है उसमें। जनाब यहाँ बात हो रही है परवेज़ मुशर्रफ साहब से, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। मैं खाने काबा के अंदर 7 दफ़ा गया हूँ, कोई करप्शन का इल्ज़ाम आपके ऊपर नहीं है ना ही कोई साबित कर सका, मुझे किसी ने ऑफर ही नहीं किया। वेलकम बैक नाजरी। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अब जो हमारे यहाँ करप्शन तो हमारे मुल्क का एक खासा रही है और स्टिल अब तक चल रही है, जो भी दौर हुकूमत में रहता है उसको लगता है कि ये मुल्क जो मैंने ख़रीद लिया अब इससे जितना मैं कमा सकता हूँ मैं कमाऊँगा, और हर सतह पर आप एक वाहिद पर्सनालिटी हैं जिस पर करप्शन का अब तक कोई इल्ज़ाम नहीं, जबकि परवेज़ मुशर्रफ सिर्फ इल्ज़ाम से भरपूर एक पर्सनालिटी बना दी गई थी, ये कैसे हो सका कि कोई करप्शन का इल्ज़ाम आपके ऊपर नहीं है ना ही कोई साबित कर सका? मेरे ख्याल में एक तो घर का अपब्रिंगिंग, बिल्कुल तरबियत,
मैं उस घर से ताल्लुक़ है जहाँ मेरे वालिद इंडिया से जब आए तो वो कोई 6-7 लाख रुपए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ट्रंक में लाए थे उनको, और वो पूरी वहाँ ट्रेन में जो हमारे थे मुझे याद है, वो उसको लेकर सोते भी उस सर उधर बगल में उसको रखकर प्रोटेक्ट करके लाए। दूसरा, जब मेरे बड़े भाई सीएसपी बने और असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद, तो मुझे याद है मेरे वालिद ने उनको कहा कि अगर मुझे कभी मैंने सुना कि तुमने कोई रिश्वत ली है तो मैं तुम्हें आग कर दूँगा। उसके बाद मैं यही कह सकता हूँ फ्रेंकली मुझे किसी ने ऑफर ही नहीं किया। सर ये दुख तो नहीं है, सबसे बड़ा दुख परवेज मुशर्रफ का आज ब्रेकिंग न्यूज, मुझे किसी ने करप्शन के लिए ऑफर ही नहीं किया। कि कोई ऐसी अच्छी ऑफर आती, कोई अट्रैक्शन वाली होती तो मैं भी सोचता कि अच्छा चले, गुना भी लज्जत नहीं आप करना चाहते थे, है ना। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ऑफर करता तो मैं उसको मारता ही और कुछ नहीं करता। तो ये उन्हें पता होता है, उन्हें पता होता है किस आदमी को ऑफर किया जाए। सर हमारे जितने भी सियासतदान हैं उनके सारे बच्चे जो हैं वो तो मज़े से तालीम हासिल करने बाहर मुल्क चले जाते हैं और वहाँ से तालीम भी हासिल करके आते हैं। आपको लगता है हमारे मुल्क में तालीम का जो मैार है वो उतना अच्छा नहीं है, तो उसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है अगर आपको ये लगता है कि बेहतर तो हम बना रहे थे, बिल्कुल बेहतर बनाना चाहिए, बनाया जा सकता है। हमारी जो हायर एजुकेशन कमीशन कर रही थी, दुनिया की 9 मुल्कों की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इधर हम बना रहे थे, बिल्कुल उसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, जापान, चाइना, कोरिया, तुर्की, इनकी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ यहाँ हम खोल रहे थे, हम खुद खोल रहे थे यहाँ यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड उनके साथ, उनका सिलेबस, उनका डीन, उनकी डिग्री, जब ये करेंगे तो एज इफ जर्मनी में बच्चा पढ़ रहा है। और ये हो रहा था, और यूँ ही मैं गया हूँ, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है ये सारा ठप हो गया, इतना जुल्म। और मुझे एक दफ़ा मिले ही ऑस्ट्रियन को मिले थे, वो कहने लगे थे यू मस्ट बी मैड, योर कंट्री इज़ मैड। मैंने कहा हम तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हैं, कमाल है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी सिस्टम जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस ना हो वो फेल हो, वो यहाँ फेल करवा देते हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली ये है कि अब ये मिस गवर्नेंस हो रही है, हुकूमत नहीं ठीक चला रहे हैं। लेकिन आप कुछ कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कर लो क्या करते हो, डटे बैठे में बिल्कुल जाएंगे भी नहीं, रिज़ाइन भी नहीं करेंगे। हम यही करेंगे, अब कर रहे हैं। ऐसे 5 साल पीपल्स पार्टी ने गुजार दिए, रुला दिया, भिखारी बना दिया मुल्क को, ख़त्म कर दिया, कंगाल कर दिया, ले गए, कोई रोकने वाला कोई नहीं रोकेगा, डटे हैं जी और सीना जोरी से कर रहे हैं, बस यही चल रहा है। आगे भी अगर हमने तब्दीली नहीं लाई यही चलेगा। चेक्स नहीं है, चेक्स होने चाहिए। तब्दीली का नारा इमरान खान साहब बहुत लगा रहे हैं, उन्होंने हमेशा कहा कि तब्दीली आएगी, नया पाकिस्तान बना के देंगे। आपको लगता है कि कभी उनको मौका मिला तो वो नया पाकिस्तान बना पाएंगे या धड़ने ही रहेंगे धड़धड़ाते हुए? नहीं, मेरा ये ख्याल है उनको बहुत कुछ सीखना है। अब आप उनकी तकरीरें जो मैं सुनता हूँ, पूरे नहीं सुनता हूँ अब मैं, क्योंकि कान पक गए हैं मेरे, क्योंकि वो ही देखा, रोना धोना 24 घंटे का रोना धोना, स्टार प्लस का ड्रामा लगता है कि हर वक्त आप अपने, वो भी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें, इसने यूं किया तो मैंने ये कहा था, तो उसने ये कहा, जैसे बच्चे या औरतें जो लड़ती बढ़ती हैं, बस बताओ तुमने क्या करना है, मुझे ये बताओ, है बैठ के संजीदगी से कि ये फेल करने हैं, मैं बताता हूँ ये मुल्क जो है इस तरीके से चलना चाहिए, और अगर मैं आया मैं ऐसे चलाऊंगा इस मुल्क को, और इसको मैं हम टर्न अराउंड करूंगा। वो उसकी बात ही कोई नहीं होती, उसकी एक भी बात नहीं होती कि भाई आप बताएं ना, तो आप क्या करना चाहते हैं, क्या व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, एक बयान पे टिकते नहीं है। हाँ, मतलब कहते हैं फिर उसको रिवर्स हो जाता है, फिर कहते हैं फिर रिवर्स हो जाता है हर चीज़ में, डोमेस्टिक इशूज़ में भी। सर यहाँ आते थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ दोबारा से टर्न लेते हैं,
लेकिन पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी से जोड़ती हुई चलूँगी, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और इतने साल मैंने इंडस्ट्री में दिए. आपने हमारी इंडस्ट्री को बहुत तरक्की दी, जिसके लिए आज मैं अपनी पूरी इंडस्ट्री की तरफ से आपसे एक तो थैंक यू कहना चाहूँगी. थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आपके दौरे हुकूमत में जितना आर्टिस्ट को इज्जत दी गई, जितनी जगह दी गई, वो उससे पहले कभी नहीं दी गई. आर्टिस्ट को हमेशा एक फिलर के तौर पे इस्तेमाल किया गया प्रेसिडेंसी के शोज़ के लिए, बाकी तमाम चीज़ों के लिए, लेकिन आपने हमें सही जगह दी जो हमारी बनती थी. बहुत सारे चैनल्स की परमिशंस आपके दौर में आई, अब आपको क्या लगता है, क्या उन चैनल्स का, उस परमिशन का सही इस्तेमाल हो रहा है? इम्प्रूव हो रहा है बहुत डेफिनेटली चैनल्स का, लेकिन मैं उससे पहले ये जो आर्टिस्ट का आप कह रही हैं, यहाँ देखिए कल्चर और हेरिटेज जो है ना, वो भी एक गवर्नेंस का अहम हिस्सा है। जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, ऐसे ही कल्चर एंड हेरिटेज. यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं था. मैं बाहर जाता था, मुझे कभी कोई ले जा रहे हैं, कोई म्यूजियम दिखा रहे हैं, कभी कोई मॉन्यूमेंट टू द लास्ट सोल्जर दिखा रहे हैं, उधर रीत में लगा रहा हूँ. इधर मैं देखता, मैं आया, मैंने देखिए यहाँ जो आता है चल उठा कर फैसल मस्जिद ले जाकर दिखा, कुछ और था ही कुछ नहीं. तो इसलिए हमने नेशनल आर्ट गैलरी इस्लामाबाद में, फिर भी एक बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट है वहाँ, जहाँ लोग अब जाते हैं, वो जो इस्लामाबाद का मॉन्यूमेंट है शकरपाड़ियाँ पे, वो फिर नेपा यहाँ नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, यहाँ म्यूज़िक और थिएटर सिखलाई होती है, ज़िया मोहिद्दीन, ये सारे हमारे ज़माने के आइडियाज़ हैं. फ्रेंकली मेरा आइडिया था, मैंने उनको बुला कर करवाया और ये चल रहे हैं, और ये बहुत अहम है. लाहौर में हम एक मॉन्यूमेंट बना रहे थे जहाँ कायद आज़म ने पहली दफ़ा रेफ्यूजीज़ को एड्रेस किया था जो हिंदुस्तान से आए थे, रोक दिया गया, वरना बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट ये उधर लाहौर में बन रहा था, वो शुरू भी हो गया था. लेवल उधर पुलिस के और आर्मी के बैरिक्स वो तोड़ ताड़ के हमने अलग कर दिया था, वो सारा लेवल कर दिया था, बंद कर दिया. तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं. बाकी आपने मीडिया का कहा है, मीडिया की आज़ादी बहुत एसेंशियल, और इसमें मुझे बहुत खुशी है कि ये हुई. ऑल्दो बहुत लोग कहते हैं आई हैव बीन विक्टिम ऑफ माय ओन क्रिएशन. सर ये गुफ्तगू जारी रहेगी, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे. परवेज मुशर्रफ स्कूल में कैसे थे? इतना ज़्यादा पढ़ाई का शौकीन नहीं था. पुरानी खातून बेगम के सामने आ गई, कभी कुछ ऐसा हुआ? आदमी मैनेज करता रहता है. अच्छा मैंने वेलकम बैक नाजरी, आप उस टीम का हिस्सा रहे थे जिसने खाने काबा को दहशतगर्दी से पाक करवाया था. इस वाक्य के ऊपर थोड़ी सी रोशनी आने, क्योंकि मुझे लगता है कि सर मुझे इसके बारे में बहुत कम इल्म है, तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बताएं. नहीं, ये अनफॉर्चुनेटली ये बात, मतलब फ्रेंकली ये सही नहीं है. अच्छा सही नहीं, नहीं है? नहीं, ये सही नहीं है. उस ज़माने में बिल्कुल मैं SSG में उस वक्त नहीं था. अच्छा. मैं मेरे ख्याल में एक कोर्स कर रहा था. सही. तो नहीं, ये बात सही नहीं है. मतलब ये बात बिल्कुल सही नहीं, आप उसका हिस्सा भी नहीं थे, और ये भी किसी साहब ने सुना था कि आपने वहाँ खड़े होके अजान भी दी थी, तो यकीनन जब आप उसका हिस्सा ही नहीं थे. नहीं, तो अजान मैं, यस मैं खाने काबा के अंदर मुझे, मैं 6-7 दफ़ा गया हूँ. हाँ वो तो. और एक दफ़ा उन्होंने अंदर उधर तौबा का दरवाज़ा है वो मेरे ख्याल में कभी भी नहीं खोलते हैं उसे, वो एक वो में मुझे उन्होंने कहा ये हम खोलेंगे आपके लिए, आपको छत पे लेकर जाते हैं. अरे वाह. तो वो उन्होंने वो दरवाज़ा खोला मेरे लिए, वहाँ राउंड स्टेयर्स थी वो ऊपर, फिर वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करते हैं, वो दरवाज़ा ऐसे खुल जाता है. तो मैं तो छत पे गया हूँ, वहाँ से मैंने वहाँ जब मैं छत पे गया तो मैंने नीचे देखा तो वो तवाफ हो रही थी, तो उधर मैं मतलब एक इनवॉलंटरली जज्बात में मैंने अल्लाह अकबर ऊँचा कहा, तो बेगूंजी आवाज़ उधर नीचे से सारे अल्लाह अकबर, क्योंकि वो देख रहे थे ये कौन है ऊपर गया. तो ये मुझे ये ऑनर है. और बाद ये जो तालिबान या अलकायदा या ये मेरी जब ये मेरे रिलीजियस तशख़्स कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर जब डाउट करते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ तुम्हें तो तुम खुद ही कहते हो ना अल्लाह ताला जिस पे
एहसान अल्लाह ताला की मर्ज़ी देखा, मुझे तो अल्लाह ताला 6 दफ़ा मुझे तो मैं खाना काबा छोड़े रोज़े रसूल में भी 6-7 दफ़ा अंदर मैं गया हूँ, अंदर मैंने दुआएं की हैं, तो ये आप में से किसने किया है? तो ये तो मुझे हाउ डू यू डाउट कि मैं मेरे से बेहतर आप मुसलमान हैं, किसने कह दिया ये आपको? नहीं, और हम तो उस इस्लाम के मानने वाले हैं जहाँ हमें इख्तियार ही उस खुदा ने नहीं दिया कि हम आपकी उस पर डाउट भी करें कि आप क्या सोचते हैं। यहीं आके हम अपने आप को उस जाविये से निकाल देते हैं जनाब। यहाँ मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी सर, अपनी उसी गुफ्तगू कंटिन्यू करूँगी जहाँ मैं अपने ही इंडस्ट्री के हवाले से बात करते हुए। आपको मौसिकी बहुत पसंद है, किस तरह की मौसिकी? सुनना गाने आजकल जिस तरह के गाने आ रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं सुने जा सकते, इसलिए पूछना चाह रही हूँ। नहीं, पुराने गाने नहीं, पुराने गाने और सीरियस गज़लें। बट आजकल की अगर आप बात कर रही हैं, इस कोक स्टूडियो पे बहुत एक से एक अच्छे आते हैं, मत से वो हमारी जो आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट करते हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि इंडिया अक्रॉस द बॉर्डर जो वो गाने हैं, फजूल किस्म के नाच गाने जो हैं वो फजूल हैं। यहाँ तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान कहीं बेहतर है ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में इंडिया से, बेशक इसमें तो कोई शक भी नहीं। और वाकई इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर थोड़ा सा पुराने दौर में जाएं तो वहाँ भी बड़े खूबसूरत गाने बना करते थे। वो और बात है कि अब वो लोग भी अपने गानों की जो जुज़ है उसको कहीं भूलते चले जा रहे हैं। वापस आते हैं जनाब दोबारा अपने सवालों की तरफ। आपकी पार्टी आपने बनाई, अपनी पार्टी वो इतनी मुतहरिक नहीं है सर, नज़र नहीं आती आपके लोग इतने एक्टिव काम करते हुए, क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, कर रहे हैं, तंजीम साजी जिसको मैं कहता हूँ वो हो रही है, वो करना आसान नहीं है। मतलब आप पार्टी को नीचे तक, ऊपर से नीचे तक फैलाएं, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, यूनियन काउंसिल, और फिर लैटरली फैलाएं, उसके विंग्स बनाएं। नाउ इशू ये, मेनली इशू ये है कि मैं अपफ्रंट नहीं हूँ, लीडर जो है उसको आगे आना चाहिए, तो आई हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। मैं क्योंकि फ्रॉम द फ्रंट नहीं लीड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ लीगल इशूज एंड सिक्योरिटी, इसलिए ये गड़बड़ है। लेकिन देखें, आइंदा फ्यूचर में इसको ठीक करना है, अनलेस जब तक कि मैं आगे नहीं आऊँगा ये पूरी तरीके से कामयाबी से नहीं चलेगी। परवेज मुशर्रफ स्कूल में कैसे थे? स्कूल में अब मैं कहूँगी मैं ब्रिलियंट था, नहीं मैं कोई इतना ज़्यादा पढ़ाई का शौकीन नहीं था। अच्छा। हाँ, शरारत और खेल वेल इसमें ज़्यादा शौक था। डांटे पड़ती थी, किस तरह की डांटे हुआ करती? हाँ, मेरे बड़ा भाई ब्रिलियंट था। अच्छा। वो बहुत ब्रिलियंट और है भी, वो रोड स्कॉलर ही, वो टॉप करता रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी कराची वगैरह। तो मैं उसके पीछे एक साल पीछे था, तो वो मुझे बहुत सज़ा मिलती थी, वो कहते थे वो ऐसा है तुम क्या, तो मुझे सज़ाएं मिलती थी, वही टीचर्स मुझे सज़ा देते थे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ घर आके कि भाई प्लीज़ भाई क्या मुझे उसी भाई के साथ हमेशा मुकाबला होता होगा? नहीं, मुकाबला मैं उनकी वो जो नोट्स होते थे ना वो चोरी करता था मैं, और वो आगे करता था, ये कई दफ़ा मैं कर, और देता नहीं था वो मुझे। अच्छा। तो छुपा कर रखता था मैं उनके, फिर जब वो नहीं होते थे तो मैं फिर देखता था ऐसे राइटिंग कोई ऐसे वगैरह, तो उनके मैं नोटबुक से निकाल के छुपा लेते थे वो अगले, वही चीज़ें होती थी। सही, सही। तो ये मैं करता था उनसे, काफ़ी मैंने उनकी चीज़ें इस्तेमाल की है, लेकिन मैं बुरा भी नहीं था। मतलब ये है कि इतना ज़्यादा मैं बुरा भी नहीं था, ये नहीं कि मैं बिल्कुल बस मेहनत नहीं करता। हाँ, नहीं, बाद में जब आर्मी में आए, पीएमए में आए, जहाँ रिटर्न आपको मिल रहा था, आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको रैंक मिल रहा है, आपने ये बन जाना है, वो बन जाना है, आपको फाइनल टर्म में सोड मिलेगी, आप अंडर ऑफिसर बन जाएंगे, जहाँ जब आप एंटी रूम में एंटर होंगे सब खड़ा होना पड़ेगा उन्हें, ये तो मैं अंडर ऑफिसर बना था। तो अब वो इसलिए कि मैंने देखा ये मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो उधर पढ़ाई में भी अच्छा कर रहे थे, ठीक कर रहा था। तो ज़रूरी नहीं जनाब कि जो किताब का कीड़ा होगा वही कामयाब होगा, किताब को समझना बहुत ज़रूरी होते हैं। जहाँ मैं आपकी बातों से समझी, किताब को समझें और उसके ऊपर फिर अमल करें, तो मेरा ख्याल है चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें नज़र आने लगती हैं। यहाँ जल्दी जल्दी से मैं कुछ सवाल करती हूँ। नहीं, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, सिर्फ किताब का कीड़ा होना जो है ना,
एक पर्सनैलिटी, एक इंसान जब बड़ा होता है एक होलसम पर्सनैलिटी डेवलप करनी होती है, बिल्कुल, उसमें इंटेलेक्चुअल एक है, सही, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो किताब से ज़्यादा माहौल नॉलेज, दूसरा उसका फिजिकल डेवलपमेंट है। अब जो आदमी बिल्कुल किताब का कीड़ा है, बिल्कुल मुंह नहीं, वो अच्छी अच्छा नहीं, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तीसरा मॉरल कॉन्फिडेंस भी बड़ा हो जाता है फिर ऐसे शख्स, फिर मॉरल डेवलपमेंट आपका कैरेक्टर, फिर चौथा जो है सोशल डेवलपमेंट, यानी आपसे मेरे ताल्लुकात, मैं कैसे डील करता हूँ, मैं अपने सबॉर्डिनेट से कैसे डील करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से कैसे, मैं अपने सुपीरियर से कैसे डील करता हूँ। पाकिस्तान में तो आमतौर पर ऐसे होते हैं कि ऊपर वाले के तो बूट लिकिंग करते हैं, नीचे वाले के साथ जल्लाद होते हैं, अब ये गलत किस्म की, तो इसलिए बैलेंस्ड एक पर्सनैलिटी के लिए सिर्फ किताबी कीड़ा होना नहीं, वो सक्सेसफुल नहीं। बिल्कुल सही जनाब, यहाँ बात हो रही है परवेज़ मुशर्रफ साहब से, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज रात को किस तरह की मूवीज पसंद? एक्शन एक्शन एक्शन, मुझे भी एक्शन मूवीज पसंद है। वेलकम बैक नाजरी, मिजाज कैसा था, थोड़ा सा आशिकाना या हमेशा से कि नहीं मुझे कोई चाहे मैं नहीं चाह सकता किसी को? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज, आपने लव में इतनी रेंज रखी थी कि ये अरेंज हो जाए? पसंद की थी। आदमी जवानी में तो हर चीज ही करता है तो, और हक बनता है और करना भी चाहिए, एक दफा आती है बार बार लौट के भी नहीं आती। सही बात, सही, वही तो मैंने कहा, आपने अपनी जवानी के सारे रूप को, सारे दौर को एंजॉय किया? यस, बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा टकराव हो गया, ओए ये तो कोई पुरानी खातून बेगम के सामने आ गई, कभी कुछ ऐसा हुआ कि नहीं भाई ये तो छुपाना था ये वाला किस्सा? हाँ नहीं, आदमी मैनेज करता रहता है। अच्छा, मैंने लाइफ को मैनेज, ये ना देंगे सिर्फ ये मेरा और आपका किस्सा नहीं कि हमने चीज़ों को मैनेज करना है, हमारे सदर साहब भी कभी कभी मैनेज करते रहे हैं। सर मुझे ये बताइए कि आपकी मिसेस का मिजाज कैसा है, थोड़ा सख्त वाला है? नहीं, या बहुत फ्रेंडली? नहीं, सख्त नहीं है। अच्छा, हाँ। कभी आपके इस तरह के किस्सों को, इस तरह की चीज़ों पर कभी वो हंस के उड़ा देती हैं या कभी कहती हैं अच्छा बाद में बात करूँगी इसके ऊपर? नहीं, आर्गुमेंट्स वगैरह तो हो जाती हैं, हो जाते हैं, तो नेचुरल है। बड़ा आर्गुमेंट कभी ज़िंदगी में बच्चों को लेके हुआ, आपकी सियासत को लेके हुआ, आपकी जॉब को लेके हुआ, किस पे अगर याद करें? नहीं, बच्चों की नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ, वो ज़रा ज़्यादा पढ़ाई बढ़ाई की तरफ उनको कर, मैं ज़रा उनको ज़्यादा तो वो खेल की तरफ, और क्योंकि जैसे मैंने कहा ये होलिस्टिक पर्सनैलिटी, बेटे की ख़ास तौर पे उसको खेल पे लगाना और उसको बाहर लोगों से मिलना वगैरह, तो वो प्रेशर पढ़ाई का बहुत देती थी कि फर्स्ट आना चाहिए तुम्हें क्लास में, और ये वो, उसकी वजह से वो घबराए रहते थे। मैं हमेशा कहता था चलो फर्स्ट कोई ठीक ठाक करना चाहिए, हाँ, पढ़ाई में पास भी हो जाते हो, तो मैं ज़रा थोड़ा सा माइल्डली उनके साथ, कोई ऐसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं थी। कहीं बाहर से आते हैं तो किस तरह का तोहफा लेकर आते हैं बेगम के लिए? शुरू में तो लाया करता था, यस, हाँ, लेकिन जाहिर है एक मर्द को ख्वातीन के लिए तोहफा ख़रीदना आसान काम नहीं है, नहीं। कोई पता नहीं होता कि कौन सा कपड़ा अच्छा है, कौन सा ख़राब है, क्या बैग कोई खूबसूरत है या नहीं है। आजकल के तो, मैं अमेरिका में था तो एक मेरे दोस्त ही हैं, उन्होंने अपनी बेगम को एक प्रेजेंट किया तो बैग $75,000 का, तो अब ये बैग है, हाँ। अगर उसे देखें तो कोई ख़ास, अगर मैं ब्रांड है बस, हाँ, तो पता नहीं होता कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी है, तो बेहतर ये ही है कि वो खुद ही ख़रीद लें, पैसे आपको दे दें, है ना, पैसे वाला काम जो है वो मैं खुद निभा दूंगा। ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा होते हैं दोस्त, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे दोस्त जिनका आप जिक्र करना चाहें जो बहुत अहम रहे हों और आपका आपके साथ साथ चले? मेरी तो खास मेरी खास स्ट्रेंथ ही दोस्त हैं। अच्छा, मेरे दोस्त बहुत क्लोज हैं,
मेरे से बड़ी उनकी एसोसिएशन और जो पीएमए में दोस्त थे वही एंड तक मेरे रहे, चाहे वो सक्सेसफुल हों या ना हों, वो मेरे साथ दोस्त रहे। तो हमेशा मैंने दोस्ती तो हमेशा निभाई है और मेरे दोस्त हमेशा वो भी निभाते हैं। तो मुझे तो फ़ख्र है इस बात पे कि मेरे दोस्त हमेशा मेरे लिए जान भी देने को तैयार हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी है तो आपकी दोस्ती हमेशा अपने बराबर के लोगों से रही या अपनी एज से बड़े लोगों से रही? नहीं, बराबर के लोगों से। अच्छा, और शायद हो सकता है उम्र से छोटे। अच्छा, थोड़े से बट बराबर के लोगों से। सर, जाते जाते ये भी पूछना चाहेंगे कि एक तो घर का रूटीन बताएं, घर का क्या रूटीन होता है आजकल? तो रूटीन एक्सरसाइज। अच्छा, गुड। पहले 1.5-2 घंटा जिसमें मेन स्विमिंग है, बट और एक्सरसाइज 1.5-2 घंटे एक्सरसाइज। जबरदस्त। और उसके बाद फिर लोगों का मिलना, यहाँ कोई 2 बजे से कोई 6-7 बजे तक लोग आते जाते रहते हैं, कोई ग्रुप्स में, कोई इंडिविजुअल, कोई ऐसे ही आना चाहता है तस्वीर खिंचवाना चाहता है, ऐसे बहुत लोग आ जाते हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर मुझे पता भी नहीं है कौन लोग हैं, तो कुछ से मिल सकता हूँ, कुछ से नहीं, से नहीं मिल पाते। तो उसके बाद फिर हाँ, मैं ब्रिज भी खेलता हूँ। आई लाइक ये ब्रिज कार्ड्स गेम जो है, हफ्ते में 1-2 दफ़ा वो भी हो जाती है। कुछ मूवीज़ देख लेते हैं रात को। किस तरह की मूवीज़ पसंद? एक्शन टाइप। मुझे भी एक्शन मूवीज़ पसंद है। स्लो मूवीज़ नहीं देख सकते? हाँ, स्लो नहीं, ज़्यादा जिसमें अंग्रेज़ी बोली जा रही है तो बाद में मुझे समझ भी नहीं आ रही होती है। ये अमेरिकन अंग्रेज़ी जो है ना, उनके जोक्स वोक्स जो है ना, वो मुझे समझ नहीं आते ना। मुझे स्ट्रेट बात करने वाले बंदों को वैसे भी ये बातें समझ नहीं आती हैं। गुस्सा आते तो क्या करते हैं सर? क्या है सर, चीज़ें भी तो तोड़ देते हैं, इर्द गिर्द के लोग थोड़े से यूँ हो जाते हो कि सर को गुस्सा आ गया? नहीं नहीं, कंट्रोल में, आदमी कंट्रोल में रहना चाहिए। कभी टीवी के सामने बैठे होते होंगे और यकीनन बहुत सारी चीज़ें इस वक्त ऐसी हो रही थी कि हम एक नॉर्मल इंसान होते हैं जबकि हमारी इतनी फहम इतना नहीं होगा शायद सियासत को लेके, लेकिन तब हमें बहुत सारी चीज़ों पे गुस्सा आ रहा होता है। आप कोई तो यकीनन ये चीज़ों को समझते हैं, जितना आप उसमें पोजीशन में रुतबे में बढ़ें, जितना आप ऊँचा जाते हैं रुतबे में, उतना ही आपको एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, आप गुस्से को, गलतियों को आप एब्जॉर्ब कर सकें। कितने जितनी भी आप ऊपर जाते हैं उतनी गलतियां होती हैं लोगों से, तो उसको टॉलरेट करना चाहिए। और मैं हमेशा कहता था कि गलती कोई करे, अगर दानिस्ता तौर पे जान के विद इल इंटेंट नहीं कर रहा है, माफ़ करो, छोड़ो, थोड़ा सा उसको कह दो। तो ये है, दैट हैज़ बिन माई एटीट्यूड। गलतियाँ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। एक आदमी अगर गलतियाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं तो फिर वो आगे वाला आदमी जो नीचे वाला है ना, फिर झूठ बोलेगा आपको। सही, क्योंकि आप पता है ये गालियाँ देना शुरू कर देगा, तो इसको झूठ बोलो। अगर आप वो जानता है कि कुछ नहीं होगा, सही, तो आप बता देते हैं इसने कुछ नहीं कहना, तो फिर वो स्ट्रेट, एक डीलिंग अच्छी होती है, वो ताल्लुक अच्छा होता है। अपने अंदर ये बर्दाश्त पैदा करनी है कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, अगर उनसे कोई गलती हो भी जाती है तो दरगुजर करना सीखे। ये सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ साहब नहीं कहते, बल्कि ये वो मज़हब भी कहता है हमसे जिसके हम मानने वाले हैं, यानी कि हम मुसलमान जिस इस्लाम को मानते हैं उसका खासा यही है कि लोगों को माफ़ करना सीखो, लोगों को दरगुजर करना सीखो, और फिर देखो कि तुम कितने अच्छे मुसलमान बनते चले जाओगे। हाँ सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच, आपके साथ यहाँ गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया आपसे मिलके। आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? नहीं, थैंक यू वेरी मच, ये बड़ा इनफॉर्मल सा आपने इंटरव्यू लिया, और मैं आई विश यू वेल, क्योंकि अभी आप आई हैं वापस जर्मनी से, आप कह रही हैं, और समा टीवी जो है इसके मैं हमेशा मैं समझता हूँ ये बहुत बैलेंस्ड एक चैनल है, और मैं हमेशा समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक टेलीविज़न के लिहाज से बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है। आई विश देम वेल आल्सो। थैंक यू सो मच जनाब, आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट मंडे, नई पर्सनालिटी के साथ, नई गुफ्तगू के साथ, नए सवालात के साथ।
रहिएगा समा के साथ, समा के मेहमान में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।